हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाले इमरजेंसी लाइट को रिपेयर करने वाला है। ये रहने को चालू है लेकिन इसका बैकअप नहीं आ रहा है और ये बज रहा है। ये मतलब बिगड़ चुका है, ये डेड कंडीशन में है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका चार्ज टिक नहीं पा रहा है, बैकअप नहीं है और तो इसी को हम लोग आज सुधारेंगे। इसके लिए इसको पहले ओपन कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर लीड एसिड बैटरी लगा है जो कि अभी के टाइम पे उतना खास नहीं रहता। इसका भी ओपन हो गया है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसमें का बटन भी ठीक है नहीं, बटन को भी चेंज करना पड़ेगा स्विच को। और इसमें का जो सर्किट है उसको निकालना है क्योंकि इसमें हम लोग डालने वाले हैं 18650 बैटरी लिथियम आयन सेल। तो इसके पुराने सिस्टम का कोई काम नहीं है। यहाँ से इसको सबको कट करके निकाल देना है, सबको यहाँ से कट करना है। यहाँ से ये ठीक है, इसको रख लो। उसके बाद ये वाला भी ठीक है तो उसको भी यहाँ से काट देना है। दो चीज ठीक है, बैटरी खत्म है और ये सर्किट का भी कोई काम नहीं है। स्विच को भी देख लेंगे तो स्विच को यहाँ से कर देना है अलग। इसमें तीन चीज ठीक है, इन सब का भी कोई काम नहीं है लेकिन ये जगह खाली पड़ जाएगा इसलिए इसको यहाँ से रख लेते हैं। तो इसमें तो ये वेस्ट है और ये भी वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है। इसको अभी फिलहाल इसके लिए जो जरूरी सामान है वो है ये लिथियम आयन बैटरी जो कि ओरिजिनल 2000 mAh का है, हुंगली का ओरिजिनल है ये। और ये ATP4056 मॉड्यूल और ये कि ये फीमेल जैक है सी टाइप नहीं बी टाइप का। ये बढ़िया है, इसको कहीं पे भी ड्रिल करके इसमें छेद करके डालना है और यहाँ से कनेक्शन लेके BMS का जो होता है प्लस माइनस यहाँ पे देना है इनपुट। उसके बाद इधर का जो आउटपुट बैटरी लिखा है ये वाला, उसमें बैटरी का माइनस बैटरी का प्लस देना है और यहीं पे लोड को भी दे देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं इसका काम चालू। आप लगे रहिए वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, जी हाँ, आसपास को हम लोगों को करना है ड्रिल। इसको इसी में फिट करना है, ये थोड़ा बराबर नहीं आ रहा। इससे अच्छा इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं फिर ये उसमें घुस जाएगा। साफ करने के बाद इसको इतना टाइट रखना है कि ये उसमें घुस भी जाए और ज़्यादा ढीला भी ना हो। ऐसे ये परफेक्ट यहाँ पे लग गया है, स्विच भी लग गया, फीमेल टाइप जैक भी लग गई। उसके बाद अब इसमें BMS लगाना है हमको। तो BMS लगाने से पहले इसका प्लस माइनस अच्छे से चेक करना है क्योंकि कभी कभी फॉल्ट आता है। और जहाँ इसका प्लस माइनस उल्टा हुआ और इस BMS में हम लोग कनेक्शन कर दिए और पावर देंगे ना तो ये ख़राब हो जाता है। इससे अच्छे इसका प्लस माइनस पहले चेक कर लेना है केबल डाल के मीटर से, और अगर मीटर नहीं होता है तो LED चला के जिसमें आपको पता चले कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पावर दे चुका हूँ और यहाँ पे मीटर को चालू भी कर लिया हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। पावर भी ठीक आ रही है 5 वोल्ट और ये वाला प्लस है जिसमें रेड कलर का पिन लगा हुआ है। तो इसको अपने याद के लिए ये बड़ा रहेगा और माइनस को हम लोग अपने याद के लिए कर देते हैं छोटा, मतलब यहाँ से कट कर देते हैं ताकि याद रहे कि छोटा वाला माइनस है। उसके बाद इसको कनेक्शन करना है पहले पर। इसमें पहले सोल्डरिंग फ्लक्स लगा देते हैं, इस वायर में भी लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये है माइनस जिसको हम लोग छोटे वाले में निशान लगाए थे, ये वाला।
और ये जाएगा प्लस जो कि बड़ा वाला है। यही टाइम होता है जो बीएमएस को खराब करता है, अगर कनेक्शन उल्टा पुल्टा हो जाता है तो बीएमएस खराब हो जाता है। एक बार में टीपी 4056 मॉडल बहुत सेंसिटिव है, कई ठोको मैं खराब कर चुका हूँ ऐसे पहले जब मेरे को आइडिया नहीं होता था ये सब का। तो ठीक है, उसके बाद टीपी 4056 मॉडल यही आसपास लगाना है, तो ज्यादा लंबा वायर नहीं रखना है, उसको कट कर देना है यहां से। ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, इसमें को देख लीजिए, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो इसमें ब्लैक वाले को डालना है ऐसे। ये चालू हो गया है, देखिए ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद इसका प्लग को यहाँ से निकाल देना है। अब इसमें डालनी है बैटरी, बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे स्थाई करना है। तो यहाँ पे मैं पहले बैटरी में सोल्डिंग कर चुका था, इसलिए इसमें मेरे को कोई और दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी लग गया, यहाँ से यहाँ की दूरी लगभग अंदाजा ऐसे करके लगा देना है। बैटरी बी माइनस बी प्लस लिखा है, उसी में इसको जोड़ना है, बहुत ही आसान होता है। कनेक्शन बढ़िया रहता है तो कोई चीज़ खराब नहीं होता, अगर उल्टा पुल्टा हो जाता है तो वही खराब कर देता है। अपने हिसाब से देख के लगाना है कनेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कनेक्शन फॉल्ट होता है तो सामान खराब होता है। ये बी प्लस लिखा है तो इसको प्लस में डालना है, रेड वाले को। ये बैटरी का प्लस साइड है और ये है माइनस साइड। पक्का, अब बैटरी भी जुड़ गई, इसका फीमेल जिसमें चार्ज होगा वो भी जुड़ गया है, बीएमएस भी लग गया है। अब इसमें क्या है कनेक्शन करना है मेन, वो है
अब इनका काम लगभग पूरा हो चुका है, तो इसको अब सीधा सेट करना है अच्छे से, जिसमें वायर वगैरह कटे मत, और BMS को परफेक्ट जगह में सेट करना है थोड़ा सा ग्लू गन का यूज़ करके। उसके बाद ये कंप्लीट है, और ये लगभग एक चार्ज में नॉर्मल अगर यूज़ किया जाए तो 15 दिन सुपर चलेगा। मैं खुद इसको यूज़ कर चुका हूँ। एक और LED है ऐसी मैं बनाया था, और इसमें ओरिजिनल लिथियम आयन 18650 का यूज़ किया हूँ मैं 2000 mAh का। ओके फ्रेंड्स, अब इसको फिट कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसको जला के देखते हैं। ये चालू हो गया है दोनों साइड का, इमरजेंसी वाला भी और फोकस वाला भी। अब इसमें डाटा केबल डाल के देखते हैं। इसमें LED ब्लिंक करेगा रेड कलर का, फुल चार्ज होने पर ये ब्लू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।